जय शिव शंकर। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको दक्ष के यज्ञ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये वही यज्ञ है जिसके कारण सती माता ने अपनी देह हवन कुंड में त्याग दी और जिसके कारण दक्ष को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि हम ये कथा शुरू करें, अगर आपको हमारी शिवलीला की ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सती अपने पिता के नाना प्रकार के विस्मयकारी दृश्यों से समृद्ध राजमहल जा पहुंची और नंदी से उतरकर अकेले ही अंदर चली गई। उनकी माँ बिरिणी और उनकी बहनों ने आनंदित होकर उनका स्वागत किया, लेकिन दक्ष ने उनको अनदेखा कर दिया। सती ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और देखा कि संसार की तमाम महान आत्माएं वहां पर इकट्ठी हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर शिव को छोड़कर शेष समस्त देवताओं के आसन निर्धारित किए गए हैं और ये देखकर वे क्रोध से भर उठी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह सुलगने लगी और उनसे नीली लपटें निकलने लगी। उनके केश खुलकर बिखर गए। उनके माथे के बीचों बीच सामान्य तौर पर अदृश्य बना रहने वाला तीसरा नेत्र सहसा खुलकर फड़कने और कांपने लगा। उन्होंने पूरी तरह से काली या सहारक देवी का रूप धारण कर लिया। गरजते स्वर में उन्होंने दक्ष से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पति को, जिनकी उपस्थिति मात्र सारे अनुष्ठानों को पूर्ण करती है, इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया? उनके बिना संपन्न किया जाने वाला कोई भी अनुष्ठान अशुचितापूर्ण होगा। मैं ये देखकर लज्जित हूँ कि मेरा अपना ही पिता किस कदर अविवेकी और शूद्र हो उठा है। ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं की ओर मुड़ते हुए अपनी समूची शक्ति भर अपना क्रोध उन पर उगल दिया। क्या आप सब इतने अंधबुद्धि हो चुके हैं कि आपको शिव की महानता का बोध ही नहीं रह गया है? आप ऐसी जगह पर कैसे आ सके जिसको उनके पुनीत चरणों के स्पर्श से वंचित कर अपवित्र बना दिया गया है? सब चुप रहे। केवल दक्ष ने टेढ़ा उत्तर दिया, जब तुमको बुलाया ही नहीं गया था तो तुमको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? शिव की धृष्टता और अकुलीनता को देखते हुए, उसके भोंडे लिबास और उज्जड़ आचरण को देखते हुए मैंने जानबूझकर उसको यहाँ पर आमंत्रित करने से अपने आप को रोका है। मैं उस दिन को याद करके पछताता हूँ जब मैंने तुम्हारा हाथ उस बर्बर के हाथों में सौंपा था। लेकिन चूंकि तुम अब आ ही गई हो तो यहाँ रुक सकती हो। कृपया करके शांत हो जाओ और यज्ञ में अपना भाग प्राप्त करो। सती क्रोध और दुख से भरी हुई थी। रे दक्ष, मैं तेरे दान पर थूकती हूँ, कहते हुए उसने उसकी ओर आग्नेय दृष्टि से देखा। मेरे पति ने मुझे यहाँ आने से मना किया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ पर मेरा अपमान होगा, लेकिन हतभाग्य, मैंने आपके प्रति अपने प्रेम की खातिर, ओ पिता, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आप घृणा के योग्य हैं। मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकती जो आपसे जन्मा है। अब मैं दक्षायनी कहलाना और नहीं सह सकती। इसलिए मैं अभी इसी क्षण आप सबके सामने ये देह त्यागती हूँ। मैं अब अपने प्रियतम के पास इस देह में कभी नहीं लौट सकती जो अपवित्र हो चुकी है। वे सारे देवता जिन्होंने शिव की निंदा की है और जिन्होंने उस निंदा को सुना है, अगर तत्काल ही इस सभागार से कूच नहीं कर जाते तो वे सब नरक में जाएंगे। उन्होंने गहरे पश्चाताप में डूबे हुए सोचा कि आखिर क्यों उन्होंने यज्ञ में ना जाने के अपने स्वामी के परामर्श का उल्लंघन किया। एक बार फिर अपने पिता की ओर उन्मुख होते हुए वे बोली, शिव के केश चटाओं में बंधे हुए हैं, वे अपने हाथ में नरमुंड थामे रहते हैं और वे शमशान में वास करते हैं। तब भी देवता और ऋषि उनके चरणों की धूल अपने सर पर लगाते हैं। तुम हर दृष्टि से अधम हो। तुमसे जन्मी इस काया से अब के बाद से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम्हारे बीच से जन्मी इस काया को मैं एक शव की तरह त्याग दूंगी। ये धिक्कार के योग्य है। इतना कहने के बाद सती मौन हो गई। वे उत्तर की ओर मुंह करके अपनी समूची देह को ऊपरी वस्त्र से ढककर योगिक समाधि की मुद्रा में बैठ गईं। अपने चित्त को अपने स्वामी पर एकाग्र करते हुए उन्होंने प्राण और अपान वायु को अपनी देह के भीतर संतुलित किया और उदान वायु को अपनी नाभि से ऊपर उठाते हुए उसे क्रमशः हृदय चक्कर तथा कंठ चक्कर से ले जाते हुए अपने मस्तक के मध्य में दोनों भवों के बीचों बीच आज्ञा चक्र में स्थित कर लिया। केवल अपने स्वामी का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। जब सती ने अपनी देह त्याग दी तो हर ओर हड़कंप मच गया। हर ओर से
दक्ष तुझे धिक्कार है, इस यज्ञ को धिक्कार है। जैसी पुकारें उठने लगी, शोक से भरी इन पुकारों को सुनकर शिव के गण जो द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे भागे हुए आए और चीख पुकार मचाने लगे। उग्र रूप से तने हुए हथियारों से उन्होंने दक्ष और अन्य लोगों पर वार करना और उनका वध करना आरंभ कर दिया। कुछ एक ने तो स्वयं को ही मार डाला, क्योंकि उनको भय था कि यदि वे सती के बिना लौटेंगे तो उनको शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। ये देखकर भृगु ऋषि ने अपने भयावह प्रेतात्माओं का आह्वान किया ताकि वो हत्याकांड रोका जा सके। रिभु नामक हजारों शक्तिशाली आत्माएं उठ खड़ी हुई और दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसका अंत शिव के गणों की पराजय से हुआ। उनको अपने प्राण बचाकर कैलाश पर वापस जाना पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि दक्ष के यज्ञ का भयानक ढंग से अंत होता है। चूंकि तुमने जगत माता माँ सती और जगत पिता शिव को प्रसन्न नहीं किया, तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी हतप्रभ होकर खड़े रह गए। अधिकांश लोग वो स्थल छोड़कर चले गए। दूसरे लोगों ने दक्ष को परामर्श दिया कि इससे पहले कि और अधिक विनाश हो, वे तत्काल शिव को मनाने का उद्यम करें। तो ये कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली कथा में हम सुनेंगे शिव का कोप, यानी कि इस कांड से क्रोध में आकर शिव ने क्या किया और दक्ष का क्या हाल किया। तो वो कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वो कथा डालें आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छी लगी तो। जाहिर है आपने आखिर तक सुनी है तो आपको अच्छी तो लगी ही होगी।